फ्री में। अगर आपको जीरोधा के अंदर FNO एक्टिवेट करना है तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कैसे आपको FNO एक्टिवेट करना है। देखिए मैं जीरोधा काइट के अंदर आ चुका हूँ, आपको नीचे आना पड़ेगा। देखिए आपको क्लाइंट आईडी देखने को मिल रहा है, इसमें क्लिक करिए। इसमें क्लिक करने के बाद तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिए, स्क्रॉल अप करने के बाद तो आपके सामने पोर्टफोलियो आ चुका है। देखिए इसको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप इसमें पोर्टफोलियो में क्लिक कर दीजिए। पोर्टफोलियो में क्लिक करने के बाद तो आपके सामने आ चुका है ओपन विद, आप क्रोम ब्राउज़र का सिलेक्ट कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र का सिलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों अभी कंसोल खोल चुका है। कंसोल खोलने के बाद ऊपर में देखिए दोस्तों ऊपर में आपको देखने को मिला, देखिए थ्री लाइन पर क्लिक करिए। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद तो आपके सामने आ चुका है देखिए दोस्तों माई अकाउंट पर क्लिक करिए। माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ चुका है देखिए दोस्तों ब्लू कलर का जो एरर है इसमें क्लिक करिए। इसमें क्लिक करने के बाद मेन पेज आ चुका है देखिए दोस्तों यहाँ पे सेगमेंट देखने को मिला है, सेगमेंट पर क्लिक कर लीजिए। सेगमेंट पर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाए दोस्तों, देखिए ऑलरेडी मेरा डिफॉल्ट सेटिंग है ऑलरेडी, मैं अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे जो होता है डिफॉल्ट रहता है इक्विटी वाला, वो इक्विटी वाला मैं लिया था। तो अभी एक्टिवेट मेरे को करना है देखिए BSE फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो BSE फ्यूचर एंड ऑप्शन मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अभी आपके सामने मेन पेज आ चुका है, पहले आपको भरना पड़ेगा आपका ग्रॉस इनकम कितना है, आप भर लीजिए जो भी है। मैं सपोज मेरा भर लेता हूँ वो 1 से 5 लाख तक सपोज। अभी यहाँ पे क्या बोला है यूज़ माई होल्डिंग, यहाँ पे डिफॉल्ट टिक है देखिए, यूज़ माई होल्डिंग ऐसे इनकम प्रूफ के द्वारा मैं मेरा होल्डिंग भी रख सकता हूँ। अभी आपको समझ दोस्तों देखिए मेरे को होल्डिंग नहीं रखना है, मेरे को होल्डिंग को अनटिक कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पे आ चुका है इनकम प्रूफ बहुत बहुत कुछ आप दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, ITR फॉर्म 16 आप कुछ भी दे सकते हैं। देखिए दोस्तों मेरे को देना है सैलरी बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट सिलेक्ट किया हो दोस्तों। बैंक स्टेटमेंट सिलेक्ट करने का दोस्तों आपके सामने आ चुका है देखिए चूज फाइल, मतलब बैंक स्टेटमेंट का जो आपके पास जो डाउनलोड है उसको यहाँ पर से अपलोड करना पड़ेगा। चलिए मैं सिलेक्ट किया हूँ मीडिया पे सिलेक्ट किया हूँ, देखिए मेरा बैंक स्टेटमेंट इसमें है, इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने का दोस्तों यहाँ पर क्या बोला फाइल पासवर्ड, मतलब इस फाइल को खोलने के लिए अगर आपको पासवर्ड है तो पासवर्ड भर दीजिए। इस फाइल को खोलने के लिए मेरे को डिफिनेटली पासवर्ड लगेगा, मैं पहले पासवर्ड भर लेता हूँ। देखिए मेरे पासवर्ड कुछ भी है, मैं आपको एग्जांपल के द्वारा दे चुका हूँ। पासवर्ड भरने का दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे थोड़ा सा इस बॉक्स में टिक मारना पड़ेगा। टिक मारने के बाद यहाँ पे आप दोनों द्वारा OTP ले सकते हैं, ईमेल से और मोबाइल से। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे ख्याल से मोबाइल से थोड़ा सा नेट का इशू हो सकता है, लेकिन अगर आप नेट टावर का इशू हो सकता है, बहुत सारा टाइम होता है, मेरे को भी हो रहा था, इसलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ईमेल पे। ईमेल सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों देखिए आपके सामने मैं ईमेल खोल लेता हूँ अभी। चलिए ईमेल में इंस्टेंट बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन फ़ोन पे थोड़ा सा लेट होता है। दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत ही जल्दी आता है। देखिए फिर मैं भर चुका हूँ। भरने के बाद दोस्तों आपको वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका काम कंप्लीट। देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है आपके सामने, देख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, योर सेगमेंट मोडिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, मतलब आपका सेगमेंट मोडिफिकेशन सबमिट हो चुका है दोस्तों, और आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। फ्रेंड 48 आवर्स से अंदर आपका FNO सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग करना हो भी जीरोधा के अंदर, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके दोस्तों आप अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप से बहुत ही इजी प्रोसेस में डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं।